लक्ष्मी, मुझे उस रोहन से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। लूजर कहीं का। लक्ष्मी, माँ कहती है जो होता है अच्छे के लिए होता है। समझो कि वो इडियट तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता था। आई मीन, कुछ कहना है, कुछ बोलना है तो फेस टू फेस आके कहो, दूसरों को भी मौका दो बोलने का। लेकिन नहीं, उसमें इतना जिगरा नहीं है। लक्ष्मी, ट्रस्ट मी, तुम उससे कहीं ज्यादा बेटर लड़का डिजर्व करती हो। अच्छा ही हुआ ना, उसने अपनी औकात दिखा दी टाइम से। आई नो तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा अभी, बट प्लीज तुम इस बात को दिल से मत लगाना। कार्तिक जी, मुझे अपने लिए नहीं, दीदी के लिए, घर वालों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मेहमानों के सामने क्या इज्जत रह गई है। आई नो लक्ष्मी, इसलिए मुझे इतना गुस्सा आ रहा है उस लड़के पे। हाउ डेयर यू। दीदी कितना खुश थी, मेरी वजह से उनको सुनना पड़ा। पूरे घर के सामने कितनी बदनामी हुई है, और लड़के वाले बस बैठे नहीं करेंगे शादी, बस बोल दिया। अरे क्यों नहीं करेंगे, क्या समझूं मैं, क्या गलती है मेरी, मुझे जानना है कार्तिक जी। और जानने का हक बनता तुम्हारा, ये बात खत्म करनी होगी, उसे जवाब देना पड़ेगा। एक काम करो, उसे फोन करो अभी इसी वक्त। लेकिन वो तो किसी का फोन नहीं उठा रहा, आप कभी तो नहीं उठाया। तू मत थे, वॉइस नोट भेजो उसे भी। कार्तिक, लक्ष्मी करो उससे सवाल, छोड़ना मत उसको, धज्जियां उड़ा दो उसकी। थैंक यू रोहन जी, बड़ी मेहरबानी की आपने, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आज आप परीक्षा के लिए नहीं आए। अगर आप आ जाते और हमारा परीक्षा हो जाता तो मुझे ऐसा लगता कि मेरी शादी एक नेक दिल और जिम्मेदार इंसान से हो रही है, क्योंकि आपने अपना इम्प्रेशन भी तो ऐसे ही बनाया था कि आप शरीफ और संवेदनशील हों।